दोस्तों प्रीवियस वीडियो में आपने देखा जयपुर के पहले दिन हमने कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लोर करी, जिसमें हमारे सारे फोर्ट्स हमने कवर कर लिए थे, अमेर, जयगढ़, नारगढ़। इसके अलावा आपने चौकीदानी की झलक देखी और एक चौकीदानी की पूरी वीडियो भी देखी। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मेरा जयपुर में दूसरा दिन है और हम क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं वो आपको आगे पूरी वीडियो देखिएगा पता लग जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाल बटन को तोड़िए फोड़िए कुछ भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों का शेयर करना ना भूलिएगा। और जयपुर में आपको क्या पसंद है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो जो आज के दिन की शुरुआत मैं कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ रानी सिसोदिया गार्डन, और ये काफ़ी सुंदर गार्डन है, पार्क है, तो आपका यहाँ भी आना बनता है। आप अगर आप देखेंगे अभी इस वीडियो में आपको काफ़ी पसंद आएगा ये लोकेशन, काफ़ी अच्छी लोकेशन पर चारों तरफ पहाड़ हैं इसके। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं जैसा कि, और राजा महाराजाओं की ये गार्डन हुआ करते थे ना, तो ये भी आलीशान हुआ करते थे। तो ये रानी सिसोदिया का गार्डन था जो कि उदयपुर की राजकुमारी थी, उन्होंने बनवाया था ये। तो दोस्तों ये था हमारा पहला यहाँ का आज के दिन का डेस्टिनेशन रानी सिसोदिया, और आई होप आपको पसंद आया होगा। अगले पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो बस आप यहाँ पर ऐसे ही अपना गार्डन में एंजॉय करिए और फोटोग्राफी का आनंद लीजिए। तो दोस्तों इसी रोड से रानी सिसोदिया गार्डन के सामने आप यहाँ से आएंगे तो आपको मिल जाएगा विद्याधर, इसका नाम पीला महल भी है। तो ये टिकट काउंटर आप देख लीजिए, टिकट के रेट में आपको दिखाया तो वही 50 रुपये है, स्टूडेंट कार्ड लेके आएंगे तो 10 रुपये है, ओवरसीज 200, 25 और 100 रात के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा 50 रुपये की टिकट थी, तो हमारे पास कंपोजिट टिकट है जो कि मुझे बार बार टिकट लेनी नहीं पड़ेगी, हम दिखाते हैं और एंट्री कर लेते हैं। अभी ये मैं नहीं कह सकता कि क्या 300 रुपये ही खर्चा आता अगर अलग अलग भी लेता या नहीं, तो अभी तो हम देख ही जा रहे हैं। 50 रुपये यहाँ थी, जैसे 50 रुपये विशेष सिसोदिया की थी, 100 रुपये अमेर की थी, 100 ही शायद नारगढ़ की थी, तो मेरे ख्याल से 300 रुपये तो करीब हो ही चुके अभी तक, तो शायद उसमें भी फ़ायदा है आपको। बाकी आप चलिए अब आपको बाग दिखाते हैं थोड़ा सा। सो ये देखिए विद्याधर बाग है, ये 18वीं शताब्दी में ये बना था, जयपुर राज्य के देश दीवान विद्याधर चक्रवर्ती ने बनवाया था इसको। तो बेहद ही खूबसूरत है ये भी जगह, कैसी लग रही है इंद्र जी वैसे जगह? बढ़िया है, सर्दियों के दिनों में बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे धूप निकली हुई है, मीठी मीठी ठंड है, मतलब बहुत तेज ठंड नहीं है इसमें, आप देख लो मुझे, मैंने अपना हाफ ऐसी जैकेट पहन लिया है, एक टी शर्ट, सो ठंड नहीं है आज बिल्कुल भी, जयपुर में वैसे इतनी होती भी नहीं, तो विंटर्स में ही आना बेटर है, जयपुर गर्मियों में बिल्कुल ना आए, बहुत बुरे हाल होते हैं, मैं गर्मियों में भी घूमा हूँ तो बहुत बुरे हाल होते हैं। ये सामने शायद यहाँ पर आके एंड में मे भी ये शायद कैफे है। तो ये विद्याधर में ही हम, और विद्याधर में ये कैफे कह सकते हो, कैफे है जिसमें ओपन सिटिंग है, अंदर सिटिंग है, तो ये 12 बजे ओपन होता है, यानी कि अगर आपको कुछ खाना पीना हो और लंच डिनर करना हो तो आप यहाँ पर आराम से कर सकते हो ऐसे ही देखिए। तो चलिए उस साइड में भी है इसके, उधर चलते हैं थोड़ा आपको दिखाते हैं। तो ये था पीछे जो मैंने आपको कैफे रेस्टोरेंट दिखाया, इसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बाग गार्डन। तो दोस्तों यहाँ से एंट्री करी थी, वो वाला पार्ट घूम लिया इसका, अब इधर हम वापस आ गए हैं, ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ के 4-5 सीढ़ी, ये इस तरफ का एरिया है इसका। चलिए यहाँ भी देखते हैं क्या है। सो ये थोड़ा सा उससे अलग, वहाँ ग्रीनरी ज़्यादा थी तो यहाँ ग्रीनरी कम है।
तो दोस्तों ये था विद्याधर, और आपने जहाँ तक देखा कि पार्क के आगे मैं जा नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी खिसक चुकी थी, तो उस वजह से रास्ता नीचे जाने का बंद हो गया। अगर उतरना चाहते हो तो उस हिस्से में भी जा सकते हैं। तो ठीक है, इतना ही है, मतलब गार्डन है और हॉल वगैरह बने हुए हैं, इसके अंदर यही है। चलो दोस्तों आगे की ओर चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। आ चुके हैं जंतर मंतर, और यहाँ की टिकट भी 50 रुपए थी और हमें जैसा कि लेनी नहीं थी। दोस्तों ये उस टाइम का समझ लीजिए ग्लोब है एक तरीके का, तो आप देखेंगे अगर इसमें क्लियर नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन इसमें है ना सारी लाइनें वाइने बनाकर इन्होंने पूरा एक तरह से ग्लोब तैयार कर रखा है। सो दोस्तों ये है नाड़ीवल्ल्य उत्तर गोल। सो बेसिकली ये इधर भी ऐसा बना हुआ है, उधर भी ऐसा बना हुआ है, और अगर तो ये वाली साइड जो है बताते हैं ये गर्मियों में काम करती है, इसके पीछे सर्दियों में काम करती है, और आप यहाँ पर पूरे दिन इस समय सर्दी है, अगर मैं यहाँ पर खड़ा भी रहूंगा तो इसके ऊपर धूप नहीं आएगी एक बार भी। आप देख सकते हैं लेकिन सेम बना हुआ, लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए वहां पर जो था वो इस तरीके से था फेस ऊपर, इसका फेस डाउन हो चुका है और यहाँ धूप है। सो आप देख सकते हैं, और बता रहे हैं कि ये सबसे सरल मतलब सबसे ईजी यंत्र है जिसे समझना और यूज करना। सो बेसिकली ये वो यंत्र है जो कि ध्रुव तारा दिखाती थी। सो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ आंख रखेंगे सो इसकी सीध में ऊपर देखेंगे तो आपको ध्रुव तारा रात के टाइम नजर आएगा, यानी कि ये कहने का मतलब ये है, बाकी दिशा वगैरह तो ये बताते ही हैं। तो दोस्तों ये जो है सनशाइन पता लगाने के लिए होता है। सो बेसिकली जो यहाँ पे जन्म लेता है जयपुर में, तो वो कौन सी राशि में जा रहा है, कौन सी राशि का है, वो इससे पता लग जाता था उस टाइम पे। सो सिर्फ एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हो दिल्ली का जंतर मंतर और यहाँ का जंतर मंतर सेम चीज बताएगा, वो गलत सोच रहेगी, क्योंकि ये जयपुर के राजा ने जयपुर के लिए बनाया था, दिल्ली वाला दिल्ली के लिए है, क्योंकि उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सब डिपेंड करता है ना, सन के अकॉर्डिंग सब चलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया। सो ये जयपुर से ही रिलेटेड है, यहाँ पे जयपुर से रिलेटेड टाइम, जयपुर से रिलेटेड ग्रहों की दशा, तो वही आपको इससे पता लग पाएगी पूरी। जंतर मंतर के बाद हम वहाँ से बाइक हमने वहीं छोड़ दी, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हवा महल था, हवा महल की तरफ जा रहे हैं हम। तो आप देख सकते हैं ये हवा महल मार्केट है, यहाँ पर आपको जयपुरी कुर्ते सूट्स लेडीज सूट्स जुतियाँ काफ़ी कलरफुल आपको ये मार्केट नज़र आने वाली है, क्योंकि जयपुर के रंगी निराले हैं। बेड शीट्स वगैरह आपको इस मार्केट में, बैग लेदर बैग्स, ये आ गई देखिए जुतियों की दुकान आ गई। तो सामने का नज़ारा देखेंगे तो पिंक पिंक पिंक, इधर भी पिंक ही है पर इधर थोड़ा मैं क्लोज था। तो ये पूरी मार्केट कलरफुल मार्केट है ये जयपुर की, और वही आगे बापू बाजार भी घूमेंगे बाद में तो आपको दिखाएंगे। तो ये हवा महल मार्केट है, ऊंट घोड़े का साज सामान है यहाँ पे। तो ये एक तरह से हम हवा महल की साइड पर आ चुके हैं, लेकिन एंट्री यहाँ से ही है, यहाँ से लोग काफ़ी फोटोग्राफी करते हैं यहाँ खड़े होके, और व्यू आता है सामने, कैफेज बने हुए हैं जहाँ से लोग ऊपर जाके पसंद करते हैं, वहाँ से फ़ोटोज़ खींचते हैं। देखेंगे आप अगर वीडियो में नज़र आ पा रहा है तो आपको अभी ऊपर लोग खड़े हैं और वहाँ से वो फोटोग्राफी कर रहे हैं, व्यू के साथ आनंद उठा रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं और फोटोग्राफी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हवा महल। मेरी दोस्तों टिकट एंट्री जो है यहाँ पर आप टिकट ले सकते हैं, वही 50 रुपए की टिकट है, विद्यार्थी 5 रुपए, विदेशी पर्यटक 200 रुपए। एंट्री करेंगे, आपको मैंने बताया था पहला गलियारा आने वाला है, और अगर मैं आपको यहाँ से सामने से आपको दिखाऊंगा कि आप देखेंगे ये स्टोरी है इसकी। सो हर लेवल का एक अपना नाम है और हर लेवल का अपना एक महत्व था, आगे जानने की कोशिश करेंगे और आपको भी बताएंगे। और आप देखिए काफ़ी ये जितना अंदर से आपको खूबसूरत लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा गुना पीछे की साइड से जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई खूबसूरत है, जहाँ से गुलाबी नज़र आता है। ये देखिए ऐसी 365 आपको मिल गए यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए बाहर का नज़ारा सामने का,
इन खिड़कियों के थ्रू आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है इसका फर्स्ट फ्लोर जिसका नाम है रत्न मंदिर, और इसका रत्न मंदिर नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जो इस पर ग्लास वर्क हो रहा है वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ, बेहद ही खूबसूरत है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये रेंदर जी दिखा रहे हैं, ये देखिए ऐसे कलरफुल ये ग्लासेस का वर्क करा हुआ है, और ये ऐसा हर विंडो पे है, हर खिड़की पे आपको नजर आएगा। इधर देखिए, ये देखिए तो सामने आप देखेंगे वर्क है, ये ग्लासेस का इस पर भी वर्क है, तो हर जगह यहाँ पे ग्लासेस पे वर्क हो रखा है काफ़ी सुंदर पूरे इस पर। सो दोस्तों इसका प्रकाश महल नाम रखा गया, ये ओपन है अगर आप देखेंगे, सो ऐसे ही है, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। सो एक टेरिस वहाँ बनाया गया था, इसके एक टेरिस इस साइड पे बनाया गया था, तो इसलिए इसका नाम प्रकाश महल है। दोस्तों हम आखिरी पांचवी स्टोरी पर हैं इसकी, जिसका नाम है हवा मंदिर, जिससे इसका नाम पड़ा था हवा महल। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ से सब नज़र आ रहा है पूरा का पूरा। ये मैं लास्ट इसकी स्टोरी पे हूँ। दोस्तों अब हम आ चुके हैं आज का एक काफ़ी छोटा सा पॉइंट है ये इसरलट, चलते हैं अंदर मैं आपको बताता हूँ ये क्यों बना था। ये इसरलट देखिए आप एक मार्केट सी की गली में है, और ये ज़्यादा फेमस जगह नहीं है ये। ये देखिए ये टावर है एक, जो कि कुछ युद्ध जीतने की उसमें बनाया गया था, तो आपको मैं अभी बताता हूँ यहाँ लिखा हुआ है। सो यहाँ से एंट्री हो जाएगी, टिकट हमारे पास ऑलरेडी है। तो आप हवा महल से अगर आएंगे, वॉकिंग डिस्टेंस पर है, बहुत फेमस नहीं है, स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन स्किप करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑन द वे ही है, ये ऑन द वे ही है ये इसरलट। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जयपुर नगर के निर्माता महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के ज्येष्ठ पुत्र सवाई ईश्वरी सिंह एवं द्वितीय पुत्र सवाई माधो सिंह प्रथम के बीच जय महाराजा पद के लिए युद्ध, अच्छा आपस में ही युद्ध हुआ था। देखिए सवाई ईश्वरी सिंह के विजयी होने पर स्मारक के रूप में विजय स्तंभ का निर्माण किया गया जो इसरलट के नाम से विख्यात है। तो चलिए दोस्तों इसके अंदर चलते हैं, और अंदर जाने के लिए जो है ओहो ऐसे ही इसका भी इंक्लाइंड पाथ बना हुआ है। ऊपर चढ़ते ही बैठ गया हूँ, सांस फूल गई थोड़ा, बिल्कुल इंक्लाइंड है, और घूम घूम क्या पाओगे, मेरे ख्याल से मंजिल का तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता, 10वीं मंजिल के करीब भी ऊंचाई हो सकती है, इसकी बड़ी बात है ना। इंदर जी थोड़ा सा थक गए, कैसा लग रहा है यहाँ पर आगे, लेकिन ऊपर हवा है बड़ी अच्छी, ऊपर आकर पूरा जयपुर दिखाई दे रहा है, ऊपर आकर पूरा जयपुर दिखाई दे रहा है। अभी आपको दिखाता हूँ, आप देखिए वो इनकी बात बात सुनिए कथाओं में। सो अगर आप देखेंगे ना इस तरफ तो इस 360 व्यू है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए चारों तरफ से आपको थोड़ा ये बंद, ये तो सिक्योरिटी की वजह से बंद कर रखे क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ बना नहीं हुआ, नीचे गिरने का पूरा डर है, इसलिए यहाँ से बंद कर दिया है। इसरलट के बाद हम आ चुके हैं दोस्तों अल्बर्ट हॉल जो कि म्यूजियम है, इस तरफ है, अभी आपको दिखाता हूँ। और इस तरफ जो आप देख पाएंगे इधर जो है एंट्री है जू की, अगर जू आप जाना चाहते हैं जयपुर जू तो वो भी घूम सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी रिक्शा वाले खड़े हुए मिल जाएंगे जो आपको कुछ बेसिक जो आसपास की चीज़ें हैं साइट सींग्स हैं वो घुमा देंगे, और अराउंड वो 300 रुपये चार्ज करते हैं आपसे। जो है यहाँ का टिकट घर है, यहाँ पर मुझे पता लग गया है कि हमें क्या टिकट का फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, 40 रुपये की अल्बर्ट रोड की टिकट है। यहाँ पे जो हमने टिकट सारी ली है उसका इंक्लूड करके टोटल बताया हुआ है, अगर आप अलग अलग लेते हैं तो वो बैठते हैं 440। सो यानी कि हमने लिए 300 रुपये की, हमें फ़ायदा हुआ है 140 रुपये का। सो 140 और 140 दो लोग थे इसलिए हमें फ़ायदा हो गया 280 रुपये का। अस्त्र और शस्त्र कह लिए, अगर आपको नहीं पता अस्त्र क्या होता है, अस्त्र होता है जो फेंक कर दुश्मन पर वार किया जाता था, यानी कि जैसे कि तीर है, हाँ बाला, वो लंबा सा बाला यहाँ पर आपको मैं अभी दिखाऊंगा तो बताऊंगा, और शस्त्र हो गए जो हाथ में पकड़ के तलवार गदा और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी जिनको हाथ में पकड़ के लड़ा जाता था वो, तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं। सो ये जो तलवार है आप देख पा रहे हैं, हम कहेंगे शस्त्र, तो ऐसा नहीं है इनका भी अस्त्र की तरह उपयोग कभी देर के इसमें हो जाता था दूर से फेंक के मारने के लिए। ये शस्त्र हैं राइफल्स उस टाइम की, सो ये शस्त्र इसलिए क्योंकि हाथ में ही रहते हैं ना। यहाँ पर आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे सारे के सारे, देखिए ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इनके बारे में आपको यहाँ पे नाम लिखा हुआ इनका मिल जाएगा, जैसे ये बंकिया है, शहनाई,
तो हमने लिए यहाँ पे रिक्शा थोड़ी देर बाइक पर छोड़ के, अभी हम बापू बाजार की तरफ जा रहे हैं अल्बर्ट हॉल के बाद। बापू बाजार कुछ खाते हैं, थोड़ा पेट भरते हैं, मार्केट घूमते हैं, अब कुछ नहीं रह गया यहाँ पर ऐसा जो हमें एक्सप्लोर करना है। उसके बाद बाइक उठाएंगे, होटल चलेंगे, अगर कुछ होगा तो वो भी आपको दिखाएंगे वीडियो में। तो दोस्तों लो जी, दोस्तों हम आ चुके हैं गुलाबी और रंग बिरंगी मार्केट जयपुर की, बापू बाजार। यहाँ पर आपको कपड़े और जयपुरी हर वैरायटी मिल जाएगी। सो दोनों तरफ यहाँ मार्केट है, अपने अकॉर्डिंग आप शॉपिंग कर सकते हैं। सो इस मार्केट में आपको जयपुरी सूट, जयपुरी चादरें, जयपुरी बैग्स और भी जो भी जयपुरी चीज़ें हैं, जूती मोजड़ी सब मिल जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों बापू बाजार घूमा, बापू बाजार में ज़्यादा ऐसे लिया नहीं, टोपी वोपी ले ली, बच्चे खुश हो जाएंगे घर पे। और अभी मैं सम्राट जो कि इधर ही बापू बाजार से बाहर की रोड पे आता हूँ मैं, तो वहाँ पे सम्राट करके है, तो कुछ खा पी लेते हैं यहाँ पे। चाय दिखाओ जी क्या क्या है। तो हमने यहाँ पे मंगवाया है समोसा छोला, और पूरा रेडी करके इन्होंने दिया चटनी वटनी, टमाटर वमाटर डाल के बढ़िया से। तो दोस्तों ये है रावत कचौड़ी, अभी मैं रावत कचौड़ी पे आ चुका हूँ, और अंदर चल के कचौड़ी खिलाएंगे आपको, करारी प्याज वाली बढ़िया कचौड़ी। ये रावत जी की प्याज कचौड़ी जो कि काफ़ी फेमस है, अगर आप जयपुर में आओ तो खाओ। ये कचौड़ी ऐसी खाई जाती है राजेंद्र जी, ये रावत जी की कचौड़ी है, आप भी रावत, ये भी रावत। कचौड़ी जो है 40 रुपये की एक है, और काफ़ी करारी कचौड़ी है, फीलिंग बहुत अच्छी है इसकी, तो आप आएँ तो जरूर खाएं। सो दोस्तों यहाँ पर हमारा सफ़र ख़त्म होता है, जयपुर का दूसरा दिन भी आपने कुछ और नए प्लेसेस देखे हमारे साथ जयपुर के, जिसमें जंतर मंतर हमने आपको दिखाया, हवा महल दिखाया, रानी सिसोदिया गार्डन, विद्याधर गार्डन। सो ये चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई, प्लस हमने रावत की कचौड़ी और गुलाब जी की चाय पी। इसके साथ हमारा होता है दिन ख़त्म। सो आई होप आपको ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आई होगी जयपुर की, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं। कीप ट्रैवलिंग, हैप्पी ट्रैवलिंग।